कोरोना वायरस को कंट्रोल कैसे करें? कोरोना वायरस के कंट्रोल में जो हमारे पास सबसे सक्सेसफुल लेकिन बहुत ही हार्श मिसाल है वो है चाइना की। आप देख सकते हैं कि डेली केसेस चाइना में कितने आ रहे थे, और चाइना ने जब अपने कंट्रोल मेजर्स और लॉकडाउन को इम्पोज किया, यहां तक आके टोटल टाइप के क्वारंटाइन सिचुएशन क्रिएट कर दी, लोगों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि चाइना के अंदर जो डेली केसेस है किस तरह से ड्रॉप हो गए। उसके बाद में देखिए यूरोप के अंदर ग्रोथ हो रही है। आइए इस चीज को समझते हैं दो मिसालों के जरिए, ताकि हम सब बहुत अच्छी तरह से समझ लें हमें कोरोना वायरस को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर बताना चाहता हूं। जितने लोगों को कोरोना वायरस का इंफेक्शन हुआ था उसमें से तकरीबन 82,000 लोग टोटली रिकवर हो चुके हैं। पहली मिसाल से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी सोसाइटी की मिसाल है जिसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई लोगों को अलग थलग रहने नहीं कहा गया है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो ब्राउन डॉट वाला है वो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे इन्फेक्शन है, और जो ब्लू डॉट में है वो हेल्दी है, और जो पिंक में है वो रिकवरी जिसकी हो गई वो है। अब आप देखिए क्या हुआ, ये 200 लोगों की सोसाइटी के अंदर आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, पहाड़ी का उसका कर्व देखिए, अपवर्ड कर्व, अगर इसके अंदर इंडिया जैसे 137 करोड़ लोग होते तो ये कर्व कहां तक ऊपर जाता और कितने कम वक्त के अंदर जाता वो आप इसके अंदर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक दूसरी मिसाल देखते हैं कि ऐसी सोसाइटी की जहां के पौने यानी कि 75% लोग रिस्ट्रिक्टेड है, यानी अपनी ही जगह पे रुके हुए हैं, 25% लोग हैं हर जगह घूम रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर वो इंफेक्शन कितनी स्लो स्पीड से स्प्रेड हो रहा है, और साथ साथ में किस तरह से लोग रिकवर भी हो रहे हैं। यहां पे हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं होगी, यहां पे प्रॉपर अटेंशन दिया जा सकता है, एक साथ में बहुत सारे लोगों की मौत नहीं हो जाएगी, और जो वक्त गुजरेगा वो वक्त के अंदर हो सकता है कोई वैक्सीन भी आ जाए। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।